अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। भारत की भूमि देवतुल्य ऋषियों से परंपरा से पल्लवित और पुष्पित होती रही है। इसी परंपरा के एक संत हुए हैं देवराहा बाबा। वे कहां और कब जन्मे यह तो किसी को भी नहीं पता, किंतु कोई उनकी आयु 250 या 600 वर्ष तो कोई 900 साल बताता है। बाबा भ्रमण करते हुए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पहुंचे और वहीं रम गए। देवरिया से उनका नाम देवराहा बाबा हो गया। वे एक योगी सिद्ध महापुरुष होने के साथ ही महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी उनकी शरण में आते थे। हिमालय में अनेक वर्षों तक रहकर उन्होंने साधना की। देवराहा बाबा ने देवरिया की सलेमपुर तहसील में मईल गांव के निकट सरयू नदी के तट पर मचान का डेरा डाला और धर्म कर्म करने लगे। उसी मचान से वह भक्तों को दर्शन देते और संवाद करते। कहते हैं बाबा मचान से जिस भक्त के सिर पर पैर रख देते वह धन्य हो जाता। बाबा ने कभी अन्न नहीं खाया, केवल नदी का जल पीकर अथवा दूध शहद और श्रीफल के रस का सेवन किया। बाबा अपने भक्तों से बहुत प्रेम से मिलते थे और सभी को प्रसाद में कुछ न कुछ देते। इसके लिए वे मचान के खाली भाग में अपना हाथ लगाते तो उसमें फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य सामग्री आ जाती थी, जिसे वे श्रद्धालुओं को दे देते। हालांकि मचान पर वे कभी कुछ नहीं रखते थे। बाबा की दिव्य दृष्टि थी, वे भक्तों के मन की बात स्वतः जान लेते थे। मईल में वे साल के करीब 8 महीने ही बिताते थे। कुछ दिन वाराणसी के रामनगर में गंगा के बीच, माघ में प्रयाग, फागुन में मथुरा वृंदावन में यमुना के तट पर अथवा कभी हिमालय में एकांतवास करते। कहा जाता है उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थीं। वे एक ही समय पर दो स्थानों पर प्रकट हो सकते थे। वे पानी के अंदर बिना सांस लिए आधे घंटे तक रुक सकते थे। बाबा को किसी ने कभी भी कहीं आते जाते नहीं देखा, वे तो पल भर में गंतव्य तक पहुंच जाते थे। प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने संदेश देते हुए कहा, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गोरक्षा गो सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गो हत्या का कलंक मिटाना अत्यावश्यक है। उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आशीर्वाद के साथ शिलाएं भी दी, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद के श्री चंद दीक्षित, जो DGP के पद से सेवानिवृत्त होकर वीर से जुड़ गए थे, ने सम्मान पूर्वक अपने सिर पर रखा और पूरे देश में घुमाया। बाबा के मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा देते और कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते। वे कहते थे, जीवन को पवित्र बनाने के साथ बिना ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। अतः सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लो। कहते हैं 11 जून 1990 से उन्होंने भक्तों को दर्शन देना बंद कर दिया था। वृंदावन में यमुना तट पर बने मचान पर बाबा त्रिबंध सिद्धासन पर बैठे रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम बिंदु तक पहुंच गया है। 19 जून 1990 को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। यमुना में लहरें उठकर बाबा के मचान तक पहुंचने लगी। शाम करीब 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया और वे इस धरा से सदा के लिए चले गए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे
नित नई जानकारी। नमस्कार।